आज 19 नवंबर 2018 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। कार्तिक मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। मेष राशि वालों का किसी बड़े जोखिम को उठाने का मन बन रहा है और इस वजह से कई तरह के बदलाव का विचार है आपके मन में, पर जब आप जिंदगी की स्थिरता के बारे में सोचते हैं तो मन परेशान हो जाता है। ऐसे असमंजस भरे दौर में किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा ताकि जिंदगी की स्थिरता बनी रहे और जिंदगी की खुशियां भी बनी रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की चुनौतियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें रिश्तों से जुड़ी स्थिरता भी शामिल है। आपकी मेहनत से जुड़े बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं जिन्हें सही दिशा देनी होगी ताकि जिंदगी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं आपके मन में, इसलिए आप कई तरह की नई संभावनाओं को टटोल रहे हैं। आपको लगता है कि इतनी ही मेहनत से आप अपनी जिंदगी की सुख और चैन को बेहतर कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? पारिवारिक परिस्थितियां इसलिए तनाव भरी हैं क्योंकि आपका सारा फोकस कामकाज के प्रति बना हुआ है, इसलिए अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप असमर्थ। जिंदगी में जो भी कमी का क्षेत्र बना रहा हो उसी ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। आपके लिए भी इस समय ऐसे ही हालात हैं कि आप निजी जीवन में अपनों को भली भांति समझ सकें। मिथुन राशि वालों की कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसमें आपको अपनों के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं उन पर भी भरोसा बनाए रखने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को हटाकर लोगों से जुड़ना होगा। कर्क राशि वालों ने अपने नजरिए को आशावादी बनाने की कोशिश की है और ये सब कुछ बहुत सराहनीय है, फिर भी कामकाज से जुड़े दबाव ऐसे हैं जो आपके साथी सहयोगियों से तकरार पैदा कर सकते हैं। अपने मन में बिठाए हुआ असंतोष भी उसमें किसी न किसी रूप से योगदान दे रहा है, जो ठीक नहीं है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक दृष्टिकोण से समय मददगार है जिसके चलते आपके पैसे का आगमन बना रहे। अगर हालात आपकी मदद करते चले जाएं तो किसी भी तरह की चुनौती भरी स्थिति को संभालना भी आसान हो जाता है। ऐसे में तकदीर आपके साथ है, ऐसा ही कहते हैं आपके पास। सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई इस रूप से बनी हुई है जो आपको अपनों से जोड़े, लेकिन दूर स्थान की संभावनाएं साथ ही साथ ऐसी हैं जो आपको परेशानी में डाले रखें। किसी भी नए विचार को लेकर आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं जिन्हें संभालना इस समय कठिन। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की रुकावटों को संभालने के लिए अपने मन में धैर्य पैदा करना होगा। अगर किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में असंतोष है तो सही समय का इंतजार कर लेना होगा। रातों रात कुछ संभल जाए ऐसा किसी भी तरह की उम्मीद लगाने से बचना हो। क्या ना करें इस समय में? पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर पैसे से जुड़े किसी फैसले को बार बार बदले नहीं, अपनी बात से बार बार पलटे भी नहीं। अपने मन में बनते हुए असंतोष की वजह से आप बार बार ऐसी कोई गलती ना करते चले। कन्या राशि वाले लोगों की सहायता करना चाह रहे हैं लेकिन लोग फिर भी कुछ नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो आपकी जिंदगी के सुख और चैन को कम ही कर रहा है। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बहुत सारी प्रेरणा लेनी पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की अच्छी सलाह से आप अपनी जिंदगी का रास्ता बदल सकते हैं और किसी नए रास्ते पर चलने के लिए हर चीज का भली भांति आंकलन करने की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का बनाना होगा ताकि अपने हालात को सुखद बनाया जा सके। तुला राशि वालों के लिए हालात इसलिए मददगार हैं क्योंकि मेहनत भरा समय है, लेकिन कामकाज को लेकर आपका असंतोष लगातार बना हुआ है जिसकी वजह से कोई भी छोटी बात बहस में परिवर्तित होती चली जाए, इसलिए अपने मन में उमड़ते हुए तूफान को थाम लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? विचार विमर्श इस रूप से करें ताकि लोग आपकी बात समझ पाएं। सिर्फ अपनी बात ही कहते चले जाने से भी बचें। ऐसा करने के लिए अपने मन में बहुत सारी शांति और धैर्य बनाए रखना होगा, पर सबसे जरूरी बात इस समय यह होगी कि अपने काम के प्रति अपनी लगन को बढ़ाया जा सके। वृश्चिक राशि वाले अपनों की जरूरतों के प्रति सजग और ये प्रयास आपकी अच्छाई की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में आपके मन की उत्तेजना बढ़ती चली जा रही है और आप बहुत प्रबलता से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो परेशानी का कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए अपने विचारों में पारदर्शिता लानी होगी। किसी भी तरह की गलतफहमी से भी बचना होगा। आपके प्रबल होते हुए विचारों से लोग परेशान हो सकते हैं, इस बात को संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। धनु राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं लेकिन फिर भी संभलना होगा। मेहनत करने की दिशा में आपके प्रयास अच्छे बने रहेंगे लेकिन आपके प्रबल होते हुए विचार आपसे गलती भी करवा लेंगे जिसके चलते आप अपने चुने हुए रास्ते से भटक जाएं।
क्या करना चाहिए इस समय में? आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद पैसे का दबाव बढ़ सकता है। अगर आप तकदीर को आजमाने के प्रयास में कोई बड़ा कदम उठाना चाह रहे हैं तो मुश्किलें और भी ज़्यादा जटिल हो सकती हैं। इसलिए भी आपको कोई कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लेना होगा। मकर राशि वालों के लिए नुकसान भरी परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपनी ओर से प्रेरित हैं कि मेहनत कर ली जाए और कुछ बेहतर हासिल कर लिया जाए। ये प्रयास आपकी इस समय की कमियों को संभाले रखने में मददगार साबित हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? आपको ऐसा लगेगा कि किसी बदलाव से आपको लाभ होगा, लेकिन उसमें छुपी हुई परेशानियां बहुत सारी हैं, इसलिए ऐसे किसी भी विचार को फिलहाल त्याग देना होगा। कुंभ राशि वालों की काम के प्रति एकाग्रता बनी हुई है, जिसके चलते धन लाभ से जुड़े योग बहुत अच्छे हैं, पर आसानी से आता हुआ पैसा आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और इस बात को भली भांति समझ लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कितना पैसा आ रहा है, इससे ज्यादा जरूरी ये होगा समझना कि कितना पैसा कहाँ लग रहा है, क्योंकि इस समय की जरूरतें ऐसी हैं जिन्हें प्राथमिकता के रूप में देखना होगा। हालात मददगार हैं, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिसके चलते सब कुछ ठीक ठाक चलता है। मीन राशि वालों के कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसमें बहुत सारी व्यवहारिकता लानी होगी, पर अपने बढ़ते हुए दबाव को भी थामे रखना होगा। आपकी काबिलियत इसमें भरपूर योगदान देगी, पर आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपकी मेहनत बनी हुई, पर किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने से बचना होगा। खासकर तकदीर को आजमाने के प्रयास में गलती हो सकती है, इसलिए बचाव का माहौल बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी।